21 अगस्त 2022 से बनने जा रहा है एक ऐसा पावरफुल राजयोग जो 12 में से 7 राशि वाले जातकों के जीवन में एकदम से लेकर आएगा बहुत बड़ा बदलाव। जी हाँ, आज के इस कार्यक्रम में मैं आपसे चर्चा करने जा रहा हूं उस पावरफुल ग्रह के बारे में जो व्यक्ति के जीवन में एकदम से बहुत ऊंचाइयां देने की दक्षता रखता है, एकदम से असफलता को सफलता में परिवर्तित करने की दक्षता रखता है और बहुत छोटी ड्यूरेशन में भी अपने 100% रिजल्ट आपके सामने प्रस्तुत करता हुआ पाया जाता है। जी हाँ, 21 तारीख को बुध देव अपने ही घर में प्रवेश कर भद्र महापुरुष राजयोग का निर्माण करने जा रहे हैं और ये राजयोग इतना पावरफुल रहने वाला है अगस्त के महीने की स्थिति में कि 7 राशि वाले जातकों के जीवन में रुके हुए कार्यों को अवश्य रूप से करता हुआ पाया जाएगा पूर्ण। राजनीति, चातुर्यता, बुद्धिमता, व्यापार में, शेयर मार्केट में, कंसल्टेंसी का कार्य, ग्रीन वस्तुएं, इन सब में जो भी लोग काम करते हैं उन्हें तो बेहद श्रेष्ठ लाभ देगा। इसके अलावा भी अन्यत्र स्थितियों में अपनी बुद्धिमता और चातुर्यमता के दम पर 7 राशि वाले जातकों के करने जा रहा है पो 12-25। आइए जानते हैं कौन सी है वह सर्वप्रथम महाभाग्यशाली राशि जिस राशि के लिए भद्र महापुरुष राजयोग रचने जा रहा है 21 अगस्त से एक नया इतिहास। तो वह सर्वप्रथम राशि रहेगी मित्रों, वृष राशि। जी हाँ, वृष राशि वाले जातकों के लिए बुध महाराज क्या होते हैं, तो धन के स्वामी होते हैं, आकस्मिक लाभ के स्वामी होते हैं और आकस्मिक लाभ के घर में ही प्रवेश कर जाएंगे। आप देखेंगे सडनो बेनिफिट्स जो आपने भी ना सोचे हो उस प्रकार की स्थिति आपके सामने निर्मित करेंगे, आकस्मिक लाभ की गतिविधियां आपके सामने बना कर देंगे। विद्यार्थियों के लिए समय बहुत अच्छा रहने वाला है, आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण करने की दक्षता इस ग्रह में होती है। इसी के साथ में आप देखेंगे तो मनोरथों को पूर्ण करने की स्थिति यहां पर देखने को मिलेगी। धन से संबंधित तो रुके हुए कार्यों को आपके पक्ष में लाते हुए बुध महाराज स्वयं दिखाई देंगे। दूसरी राशि जिस राशि के लिए बड़ा ही शुद्ध भद्र महापुरुष राजयोग निर्मित होने जा रहा है वह राशि होगी मित्रों मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले जातकों के लिए लग्न के स्वामी होते हैं, चतुर्थ भाव के अंदर प्रवेश कर शुद्धिकरण से भद्र महापुरुष राजयोग का निर्माण करेंगे। भौतिक सुखों में वृद्धि, जनता में यश मान और प्रतिष्ठा आपको दिलाते हुए पाए जाएंगे, माता के स्वास्थ्य में पुष्टता, इसी के साथ में कोई पेरेंटल प्रॉपर्टी से रिलेटेड रुका हुआ कार्य है वो पूर्ण करेंगे, कोई नया भूमि भवन वाहन खरीदना चाह रहे हैं उसके सुख आपके जीवन में प्राप्त कराएंगे। कर्म क्षेत्र में आपको परिपूर्णता से लाभ देने जा रहे हैं, चाहे आप व्यापार करते हैं तो व्यापार में वृद्धि का योग बनाएंगे, नौकरी पेशाधारी हैं तो पदोन्नति के योग आपके सामने निर्मित करेंगे। अद्भुत रूप से बुध महाराज आपको लाभ देंगे, भद्र महापुरुष राजयोग का ये लाभ निश्चित रूप से आपके सामने प्रकट होता हुआ आप स्वयं दिखाई देगा। तीसरी राशि जिस राशि के लिए धन से संबंधित स्थितियों में बड़े ही शुद्धिकरण से बुध महाराज देने जा रहे हैं आकस्मिक लाभ वह राशि होगी मित्रों सिंह राशि। सिंह राशि वाले जातकों के लिए धन के स्वामी होते हैं, आपके मनोरथ और आय के स्वामी होते हैं और धन में ही प्रवेश करने जा रहे हैं। धन का स्वामी यदि धन में प्रवेश करता है तो शास्त्र मान्यता अनुसार व्यक्ति के जीवन में धन से संबंधित कोई भी कार्य रुके हुए हों उनमें पूर्ण रूप से मिलती है आपको सफलता। धन से रुके हुए कार्य पूर्ण करवाएंगे। बुद्धिमता, चातुर्यमता के दम पर आप अपना डूबा हुआ पैसा निकाल लें, आप बिगड़े बिगड़े कार्यों को भी अपने पक्ष में वाणी की चातुर्यता से अपने पक्ष में ले आए, समाज परिवार में आपको यश मान और प्रतिष्ठा प्रदान करेंगे। जीवन में चल रहे ऑब्स्टेकल, कार्यों में रुकावटें, बनते बनते कार्य रुक रहे हैं, मानसिक तनाव, टेंशन, डिप्रेशन बना हुआ है, इन सबको रिमूव करते हुए आपके मनोरथों को पूर्ण करने के लिए भद्र महापुरुष राजयोग बाध्य बन रहा है और इसी के साथ में आपकी मनोरथों को भी पूर्ण करते हुए पाए जाएंगे बुधदेव। अगली राशि जिस राशि के लिए अद्भुत रूप से शुद्धिकरण से भद्र महापुरुष राजयोग के चलते होने जा रहे हैं आपके पो 12-25।
वह राशि होगी मित्रों बुध देव की स्वयं की ही राशि कन्या राशि। कन्या राशि वाले जातकों के लिए लग्न के स्वामी होकर लग्न में प्रवेश करने जा रहे हैं अद्भुत रूप से भद्र महापुरुष राजयोग के चलते आपको यश मान और प्रतिष्ठा प्रदान करेंगे। व्यक्तित्व को बड़ा ही चातुर्यमता बुद्धिमता के दक्षता आपको प्रदान करेंगे। आपके जो निर्णय होंगे ये काबिले तारीफ होंगे। आपके जो डिसीजन होंगे ये आपको उन्नति प्रदान करने वाले रहेंगे। अगर पार्टनरशिप में आप कार्य कर रहे हैं अद्भुत रूप से आपको लाभ देते हैं। दैनिक रोजगार में वृद्धि, दाम्पत्य जीवन में श्रेष्ठ मधुर संबंधों की स्थितियों को निर्मित करने जा रहे हैं। इसी के साथ में कर्म क्षेत्र में भी कन्या राशि वाले जातकों को श्रेष्ठ ऊंचाइयां प्रदान करेंगे। इसकी अनुभूति भी आप अवश्य रूप से करते हुए पाए जाएंगे। अगली राशि जिस राशि के लिए भद्र महापुरुष राजयोग देने जा रहा है अद्भुत रूप से लाभ, वह राशि होगी मित्रों धनु राशि। धनु राशि वाले जातकों के लिए कर्म भाव के स्वामी होते हैं देवगुरु, माफ कीजिएगा बुद्ध महाराज, और कर्म भाव में ही प्रवेश कर भद्र महापुरुष राजयोग का निर्माण करने जा रहे हैं। कर्म क्षेत्र में श्रेष्ठ ऊंचाइयां, श्रेष्ठ मुकाम, श्रेष्ठ सफलता और धन में परिपूर्णता का योग यहां पर धनु राशि वाले जातकों के लिए ये पावरफुल राजयोग उत्पन्न करता हुआ पाया जाएगा। भौतिक सुखों में वृद्धि कारक स्थिति का योग आपके लिए निर्मित करेगा। अगर व्यापार कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छे लाभ। नौकरी पेशा धारकों के लिए भी ये एक नए अवसर, नए मुकाम आपके सामने स्थापित करते हुए पाए जाएंगे। भौतिक सुखों में कोई भूमि भवन वाहन खरीदना चाह रहे हैं इसमें सफलता के योग आपके लिए निर्मित करेंगे। और साथ ही दैनिक रोजगार में वृद्धि करते हुए दाम्पत्य जीवन में बनाने जा रहे हैं मधुर संबंध। अद्भुत रूप से धनु राशि वाले जातकों को यह भद्र महापुरुष राजयोग देता हुआ पाया जाएगा अपना पूर्ण रूप से लाभ। अगली राशि जिस राशि के लिए भाग्य के द्वार बुद्ध महाराज अपने ही हाथों से लिखने जा रहे हैं वह राशि होगी मित्रों मकर राशि। मकर राशि वाले जातकों के लिए भाग्य के स्वामी होते हैं और भाग्य में ही प्रवेश कर रहे हैं। मेहनत तो आज के समय में हर व्यक्ति कर रहा है, एक रिक्शा चलाने वाला भी कर रहा है, किंतु सफलता की स्थिति परिपूर्णता से उसका साथ देती है जिसका भाग्य उसका साथ दे रहा हो। कुछ इसी प्रकार की अनुभूति बुद्ध महाराज आपके लिए निर्मित करने जा रहे हैं। जहां हाथ डालेंगे वहां से सफलता की स्थिति निकाल कर देंगे। धार्मिक कार्यों में आपकी रुचि जागृत करते हुए पाए जाएंगे। विदेश से किसी प्रकार की कनेक्टिविटी, आप चाहे घूमना जाना चाह रहे हैं, चाहे आप कोई व्यवसाय करना चाह रहे हैं, कोई नई जॉब के लिए आप कोई प्रयोजन कर रहे हैं, सब स्थितियों में विदेश से किसी भी प्रकार की कनेक्टिविटी का योग यदि आप चाह रहे हैं उसमें भी बुद्ध महाराज देने जा रहे हैं आपको सफलता। और इसी के साथ में आपके द्वारा जो मेहनत की जाएगी इसमें भी परिपूर्णता से आपको सफलता का योग देखने को मिलेगा। व्यापारिक यात्राएं आपको निश्चित रूप से सफलता के श्रेष्ठ अवसर प्रदान करने जा रही है। तो मकर राशि वाले जातकों के लिए भी ये योग अद्भुत रूप से लाभ देने जा रहा है। और अंतिम राशि जिस राशि के लिए पुनः से भद्र महापुरुष राजयोग खोलने जा रहा है आपके जीवन में नए और श्रेष्ठ मुकाम, वह राशि होगी मित्रों मीन राशि। मीन राशि वाले जातकों के लिए सप्तमेश होकर सप्तम भाव में प्रवेश कर रहे हैं और ऐसी स्थिति में अद्भुत रूप से आपके लग्न को देखेंगे। व्यक्तित्व की स्थितियां बड़ी मधुर बना देंगे। आपको चातुर्यमता बुद्धिमता के दम पर समाज में, कुटुंब में, परिवार में, कर्म क्षेत्र में यशमान प्रतिष्ठा दिला देंगे। दाम्पत्य जीवन में किसी प्रकार के मनमुटाव चल रहे हैं वो समाप्त हो जाएंगे। जिन कन्या या बालकों के विवाह की उम्र हो चुकी है, विवाह में विलंब देखने को मिल रहा है, उनके लिए नए रिश्ते आपके सामने आकर प्रस्तुत हो, इस प्रकार की स्थिति बनेगी। चाहे आप कुछ भी कर रहे हैं, जॉब, व्यवसाय, दैनिक रोजगार में वृद्धि की अवस्था का योग आपके लिए निर्मित करने जा रहे हैं। पार्टनरशिप में सफलता या पार्टनरशिप के बारे में आप विचार कर रहे हैं इस ड्यूरेशन में जरूर कर सकते हैं। और इसी के साथ में भौतिक सुखों में देने जा रहे हैं आपको वृद्धि। तो ये है वो सात महाभाग्यशाली राशियां जिन राशि वाले जातकों के लिए 21 अगस्त 2022 से भद्र महापुरुष राजयोग और सबसे पावरफुल तरीके से रिजल्ट देने वाला बुध करता हुआ पाया जाएगा आपके सभी मनोरथों को पूर्ण। आशा करता हूं
मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको पसंद आएगी। कल फिर से एक नई जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।